नमस्कार, मैं भाषा और मैं लोकतांत्रिक भारत की नागरिक हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है। उम्मीद है कि आपको भी, आप सबको इस बात का गर्व होगा कि हम सब एक लोकतांत्रिक भारत के नागरिक हैं। और आप सबका स्वागत है न्यूज़ क्लिक के खोज खबर कार्यक्रम में। और आज इसमें हम बात करेंगे कि भारत के लोकतांत्रिक होने से किसे चिंता है और किसे गर्व है। हमारे देश का अन्नदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस समय सड़कों पर है। वह मांग कर रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो तीन कृषि कानून लागू किए हैं, उसे वह रद्द करे, उनके साथ वह वार्ता में आए। इस समय देश की राजधानी चारों तरफ से किसानों से घिरी हुई है। किसानों ने अपना गांव यहीं बना लिया है, वे वहीं खाना खा रहे हैं। और जब सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो वे पोटली में अपना खाना लेके जाते हैं, अपना पानी लेके जाते हैं और वे कहते हैं कि हम खाना सरकार का तभी खाएंगे जब सरकार हमारी बात सुनेगी। वार्ता लगातार चली जा रही है। अंजाम क्या होगा इस पूरे के पूरे आंदोलन का, यह तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई है और उसे साफ करने का काम मोदी सरकार और उसके कृषि मंत्री ने किया है कि ये जो तीन कानून जिनका एड़ी चोटी से विरोध कर रहे हैं देश के किसान, और किसानों के साथ खड़ा है देश का एक बड़ा हिस्सा जिसने भारत बंद में बड़े पैमाने पर शिरकत की, वे सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह तीन कानून अंबानी और अडानी के कानून हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून हैं। और इस बात पर मुहर कोई और नहीं लगा रहा, किसान यह कह रहे हैं और उनकी बात का समर्थन करते हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। वे कहते हैं कि अगर इस कृषि कानून को वापस ले लिया तो कॉरपोरेट का मोदी सरकार से भरोसा उठ जाएगा। यह उनका आधिकारिक बयान है जिसे मीडिया ने दर्ज किया है। और इसके बाद आते हैं नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत, जो बहुत शीर्ष सरकारी अधिकारी हैं, जिनके हाथ में नीति निर्धारण का बहुत अहम जिम्मा है, मोदी के बहुत करीब पाए जाते हैं। और वे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेसी इज टू मच। इसकी वजह से मोदी सरकार जो सुधार करना चाहती है माइनिंग में, कोल में, एग्रीकल्चर में, लेबर में, उसके प्रति वह दृढ़ प्रतिज्ञ तो है, डिटरमाइंड है, उसमें कन्विक्शन है, मजबूती है, लेकिन टू मच डेमोक्रेसी की वजह से वह बिचारी कर नहीं पा रही। यह बात उन्होंने किसान आंदोलन और किसान आंदोलन की मांग के संदर्भ में हमारे सामने रखी। यानी किसान जब अपनी खेती को बचाने की बात कर रहे हैं तब वह टू मच डेमोक्रेसी है, और जब अमिताभ कांत अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर देश के नीति निर्धारण का काम करते हैं, उन नीतियों पर सुधार की बात करते हैं, जो सुधार यानी वे सुधार जो कॉरपोरेट चाहता है, तब उन्हें चीन याद आता है। और आप देखिए क्या महज इत्तफाक है, ये सारी भाषा बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती जुलती है। वह भी चीन का उदाहरण देते हैं, हालांकि चीन उनके बिल्कुल उलट साम्यवादी विचारधारा का देश है, एक कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे चीन स्थापित है, लेकिन उन्हें याद आता है कि चीन में कम्युनिस्ट शासन होने के बावजूद क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, इसलिए दोनों ही अपने अपने ढंग से लोकतंत्र को ख़त्म करके एक दूसरे ढंग की तानाशाही की बात भारत में कर रहे हैं। लाखों की तादाद में जो अन्नदाता देश की राजधानी पर दस्तक दे रहे हैं, उनका बहुत साफ मानना है, उन्हें कहीं से भी कोई भ्रम नहीं है। जो यूनियनें और जो नेता उनको लीड कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी स्पष्ट रूप से मानना है
कि वे किसी भी तरह के समझौते या भ्रम को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये तीन कानून जो कि कॉरपोरेट को खुली छूट देते हैं फसल अनाज को खरीदने की, कहीं से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो पाबंदी है उसे हटाने की पूरी कवायद करते हैं। ये देश के किसानों और देश की खेती के लिए डेथ वारंट है, मौत का फरमान है। और आप इसलिए पाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में, शायद दिल्ली ने इतनी बड़ी संख्या में 13-15 दिन तक किसानों की इतनी बड़ी रैली इतने बड़े गांव को बसते हुए नहीं देखा। लाखों की तादाद में किसान यहां मौजूद हैं, किसान महिलाएं यहां मौजूद हैं, उनके बच्चे यहां मौजूद हैं, वे खुद ही खाना पका रहे हैं और आस पड़ोस के जो और किसान हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और उनकी मदद इस बड़े पैमाने पर हो रही है कि उन्हें भरोसा है कि वे 6 महीने तक यहीं डेरा डाल सकते हैं। बीच बीच में उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है। वार्ता का जिम्मा 100% गृहमंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर ले रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक पूरी तरह से सीन से बाहर हैं। वह नई संसद के लिए भूमि पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं, कभी बनारस में जाकर संगीत और लाइट एंड साउंड म्यूजिक सुन रहे हैं। अलग अलग कामों में प्रधानमंत्री व्यस्त हैं। और ठीक ऐसे ही समय जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह बता रहे हैं कि किसानों की आशंका 100% सही है। 1.5 साल के भीतर इस देश में अडानी ने एग्रो बिजनेस के लिए अनगिनत कंपनियां खड़ी की। कुछ कंपनियों के नाम सामने आए हैं जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अलग अलग जगह भंडारण की पूरी प्रक्रिया शुरू की है उन्होंने। 100-100 एकड़ जमीन, हरियाणा से जो खबर अभी सामने आई है कि 100 एकड़ जमीन अडानी समूह ने खरीदी है, वह अनाज का भंडारण करने जा रहे हैं वहां पर। यानी बहुत साफ है, हमें और आपको और किसानों को तो बहुत बाद में पता चला कि इस तरह का कृषि बिल सरकार ला रही है, लेकिन मोदी जी के बहुत खास और करीब माने जाने वाले उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी को, इस बात की जानकारी संभवतः पहले से थी। लिहाजा यह कंपनियां खड़ी की गईं। हित बहुत साफ और सामने हैं, कहीं कोई पर्देदारी नहीं है। ये कानून अंबानी और अडानी के फायदे के लिए लाए गए हैं, जिसकी तस्दीक कृषि मंत्री से लेकर तमाम और मंत्री खुलेआम हमारे सामने कर रहे हैं। कॉरपोरेट हित किस तरह से मोदी सरकार के सिर चढ़ बोल रहे हैं, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, इसकी एक और मिसाल देखने को अभी मिली। किसानों की मांगों पर लेकर, किसानों के आंदोलन पर, किसानों को लगातार दिल्ली में दस्तक देना, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई खबर नहीं। उन्होंने इस पर कोई बात नहीं कही, लेकिन देखिए वे चिंता जाहिर करते हैं। वे कहते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए 5G टेक्नोलॉजी तुरंत बड़े पैमाने पर लानी चाहिए, लाई जाएगी। और ठीक उसी दिन उनके प्रिय मुकेश अंबानी का भी बयान आता है कि जियो 2021 तक आधे भारत में, आधे से अधिक भारत में 5G टेक्नोलॉजी रोल करेगा, यानी उसे लागू कर देगा। यह महज इत्तेफाक है कि एक ही दिन दोनों बयान इस देश की जनता के सामने आते हैं। जिस देश में किसान बुनियादी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ मजदूरों और मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका साथ खड़ा हुआ है, उस समय केंद्र सरकार 25,000 करोड़ से भी अधिक सेंट्रल विस्ता यानी नई संसद बनाने के लिए तैयारी कर रही है, और दुहाई लोकतंत्र के ज्यादा होने पर दी जा रही है। यह लोकतंत्र कुछ लोगों के लिए ज्यादा है, उन्हें किसानों की मांग लोकतंत्र का टू मच होना दिखाई देता है, लेकिन इन लोगों को गौतम नौलखा के बुनियादी मांग, उनका चश्मा
चुरा लिया गया जेल में। आपको बता दें, गौतम नौलखा जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, वह भीमा कोरेगांव मामले में पिछले कुछ समय से मुंबई के एक जेल में बंद हैं। वहां उनका चश्मा चोरी हो गया। उनकी पत्नी, उनकी जीवन संगनी सहबा हुसैन ने बताया कि बिना चश्मे के गौतम के लिए कुछ भी देख पाना, कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है, तकरीबन वह अंधे हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने यहाँ से उनके लिए चश्मा भिजवाया, जिसे जेल अधिकारियों ने उन्हें सौंपने से मना कर दिया। इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि मानवता भी कोई चीज़ होती है और शायद यह सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब गौतम को चश्मा मिले या फादर स्टेन को सिपर, यह लोकतंत्र का टू मच है या वेरी मच है या बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में अमिताभ कांत या उनके समकक्ष बैठे लोग शायद देश की जनता को कभी बताना चाहें। जिस समय हम और आप चिंता कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की, किसानों की और इस देश की मिट्टी की, ठीक उसी समय इन तमाम सरोकारों से जुड़े भारत के एक अहम कवि मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का नाम इसलिए भी बहुत अहम है कि लोकतंत्र पर जब जब हमला हुआ, देश की साझी संस्कृति पर जब जब हमला हुआ, वे तमाम जोखिम उठाते हुए सामने आए। जब अखलाक की हत्या हुई और साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार वापस किए, उसमें बहुत बड़ा नाम थे मंगलेश डबराल। कोरोना के काल से होड़ लेते मंगलेश डबराल अंततः चले गए। लोकतंत्र, कविता, इंसानियत का बड़ा वितान रचने वाले कवि, लेखक, पत्रकार हमसे विदा हो गए। 2020 की भारी क्षति मंगलेश जी का हमारे बीच से जाना है। मंगलेश डबराल की एक कविता है अपनी तस्वीर। यह एक तस्वीर है जिसमें थोड़ा सा साहस झलकता है और गरीबी ढकी हुई दिखाई देती है। उजाले में खींची इस तस्वीर के पीछे उसका अंधेरा भी छिपा हुआ है। और एक और कविता जो सीधे मंगलेश जी को बुलाती है, इस कविता का शीर्षक है मांगना। कुछ अजीबो गरीब है जीवन का हाल, कुछ अजीबो गरीब है जीवन का हाल, वह अब भी जगह जगह भटकता है और दस्तक देता है, मांगता रहता है अपने लिए कभी जन्म, कभी पैसे, कभी हुनर, कभी उधार, कभी प्रेम, कभी बेचैनी। Thank you.